तो दोस्तों बड़ा सोचो, आगे सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पे किसी का अधिकार नहीं होता। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है अक्टूबर 16, 2018 और डे है ट्यूसडे। और आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक सवाल, और आज का सवाल है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमेटी विच ऑफिस वाज सेटअप इन इंडिया। संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद किस ऑफिस को इंडिया में सेटअप किया गया था? आपके ऑप्शंस है ए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बी सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो, या डी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। आपके आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू से। और सबसे पहली न्यूज आपको मिलती है, सऊदी अरेबिया प्रोमिसेस टू मीट इंडियाज ऑयल नीड्स। तो देश में चल रही है इंडिया एनर्जी फोरम, और वहाँ पे सऊदी अरेबिया के एनर्जी मिनिस्टर खालिद ए अल फलीह ने इंडिया के लिए कुछ बातें करी और ये प्रॉमिस किया कि इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं, बढ़ती हुई एनर्जी की जो डिमांड है, उनको मीट करने के लिए सऊदी अरेबिया प्रॉमिस करता है, बिल्कुल सशक्त है। बहुत सारी और चीज़ें हैं, जिस तरीके से यहाँ पे ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए हैं, तो इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए इंडिया को और कंट्रियों से ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंडिया को ऐसा प्रोस्पेक्ट सऊदी अरेबिया दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी बात करेंगे सऊदी अरेबिया के मैपिंग की। तो सऊदी अरेबिया का जो मैप है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मैं आपको बता दूं, सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट सोवेरिन स्टेट है मिडल ईस्ट के अंदर, साथ ही फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है अगर आप ज्योग्राफिक एरिया के हिसाब से देखोगे पूरे के पूरे एशिया में। वर्ल्ड की बात करें तो ज्योग्राफिकली 12th लार्जेस्ट कंट्री के रूप में सऊदी अरेबिया हमें दिखाई देती है। सऊदी अरेबिया के बॉर्डर्स कौन कौन सी कंट्री को टच करते हैं? तो वो टच करते हैं जॉर्डन को, इराक को नॉर्दर्न साइड से, कुवैत को नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, कतर, बहरेन और यूएई को ईस्टर्न साइड से, और ओमान और यमन को सदर्न पोर्शन से यहाँ पे सऊदी अरेबिया टच करता है। सऊदी अरेबिया के बारे में आप एक खास बात देखना, यहाँ पे रेड सी और पर्शियन कोस्ट को दोनों को ही सऊदी अरेबिया टच करती है, और ये इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि रेड सी और पर्शियन कोस्ट को टच करती है। साथ ही इसराइल और इजिप्ट से जो सऊदी अरेबिया है वो सेपरेटेड है थ्रू गल्फ ऑफ अकाबा। याद रखना नाम, गल्फ ऑफ अकाबा। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, और जो करेंसी है सऊदी अरेबिया की वो है रियाल। यहाँ पे बात हो रही है इंडिया की एनर्जी नीड्स को पूरा करने की, और आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल 2018 के अंदर, अभी रिसेंटली अप्रैल के अंदर हुई थी इंटरनेशनल एनर्जी फोरम फॉर 2018 हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, और इसका थीम था द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। हम लोग अप्रैल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात की गई है उसका थोड़ा बैकग्राउंड तो हमें ट्रेस करना ही पड़ेगा। जो हमारी इंटरनेशनल एनर्जी फोरम है उसका सेक्रेटेरिएट है रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर। उस समय यह बात हुई कि हमारा जो रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है उसके साथ एक एमओयू साइन करेगी यहाँ पे सऊदी अरमाको और एडनॉक। एडनॉक इज अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। फाइनली अगस्त 2018 के अंदर इसके अंदर हमें डेवलपमेंट देखने को मिला, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया सऊदी अरमाको ने और रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने। बेसिकली जो रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है वो $44 बिलियन का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसको जॉइंटली डेवलप किया जाएगा, बनाया जाएगा एज अ इंटीग्रेटेड मेगा रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बाय इंडिया एंड यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया की दो कंपनी है, जो है एक हमारी सऊदी अरमाको और दूसरी है एडनॉक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। दोनों यहाँ पे मिलके इन्वेस्टमेंट करेंगी, साथ में इन्वेस्टमेंट होगा रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का, जो कि एक तरीके की कंपनी है थ्रू कंसोर्टियम ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन BPCL HPCL बनाई गई है। तो IOC BPCL HPCL ने मिलकर यहाँ पे रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बनाई है। वो यहाँ पे सऊदी अरेबिया की दो कंपनी के साथ बना रही हैं रत्नागिरी के अंदर मेगा रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स।
रत्नागिरी है महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो यही देखी गई है कि जो इंडिया एनर्जी फोरम चल रही थी उसके अंदर सऊदी अरेबिया के एनर्जी मिनिस्टर ने बोला कि सऊदी अरमाको जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करेगी यहाँ पे रत्नागिरी रिफाइनरी के अंदर, और वो एक बस एक स्टार्टिंग के रूप में देखी जा रही है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है यहाँ पे ऑयल सेक्टर के अंदर वो और भी बेहतर होते हुए हमें नज़र आएंगे। इस पर्टिकुलर फोरम के अंदर एक और बात की गई कि यहाँ पे जो एक परसेप्शन बन रहा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो थोड़ा सा गलत तरीके से सबके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि आप अगर आज भी देखोगे तो 99.8% ऑफ द व्हीकल यहाँ पे ऑयल से चलते हैं, या तो पेट्रोल से चलते हैं या डीजल से चलते हैं। तो अभी हम जो ई व्हीकल्स की बात करते हैं उनको दुनिया में सबके सामने आने में अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया और बाकी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी थी उन्होंने थोड़ा यहाँ पे मिस इंटरप्रेट कर लिया था। उन्होंने सोचा था कि जो ऑयल की जो प्राइजेस हैं जो प्रोड्यूसिंग है वो कम हो जाएगी, तो उन्होंने जो सप्लाई थी उसको रोक दिया, क्योंकि उनका सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले जो सोर्सेज हैं वो सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया और ऑयल के प्राइजेस आसमान छूने लगे। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बाकी जो एनर्जी मिनिस्टर आए हुए थे, एनर्जी कंपनी आई हुई थी बड़ी, उनसे भी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट यहाँ पे उनके सामने रखी, एक प्रपोजल भी सामने रखा कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग पार्टनरशिप होनी चाहिए इंडिया और बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के बीच में, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टेप उठाए जाने चाहिए जिससे जो कंज्यूमर है, जो हम लोग हैं, आम आदमी हैं, उनको पेट्रोल और डीजल सस्ता होता हुआ नज़र आए। तो जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो और ज़्यादा बेहतर एफिशिएंट और कम करने की यहाँ पे बात की गई, और यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस को बोला गया कि आप लोग भी इस स्टेप में बड़े बड़े कदम उठाओ। देखो इंडिया और इंडिया के रिलेटेड जो एनर्जी है उससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी का थ्रू द ऑयल आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो यूएस और चाइना के बाद सबसे बड़ा कंज्यूमर यहाँ पे ऑयल का इंडिया है। इसके साथ साथ इंडिया की तरफ से अगर हम लोग देखेंगे ऑयल सप्लायर इंडिया के लिए सबसे बड़े बड़े कौन से हैं, तो सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर तो इंडिया के लिए है इराक, ओके, इराक के बाद है ईरान, और ईरान के बाद है सऊदी अरेबिया। अभी रिसेंटली ही ईरान ने सऊदी अरेबिया को क्रॉस करके सेकंड पोजीशन हासिल करी एज इंडियाज बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, आगे आपको एक न्यूज़ मिलती है, न्यूज़ है पॉल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम अनवील्ड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर एक पॉल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम को अनवील कर लिया है, उसको लॉन्च कर लिया है। अभी वो सिस्टम चालू नहीं हुआ है, पर दो दिन के अंदर अंदर वो सिस्टम चालू होता हुआ हमें नज़र आएगा। बेसिकली ये जो सिस्टम है 72 आवर्स पहले ही दिल्ली के लोगों को एक तरीके की वार्निंग दे देगा कि आपके शहर में एयर कंडीशन कैसी हैं। इसके साथ साथ ये जो फोरकास्ट सिस्टम है ये और भी इम्पोर्टेंट अलर्ट्स दे रहा है। देखो आप देखोगे ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसको डेवलप किया गया है विद द असिस्टेंस ऑफ फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ फिनलैंड एंड द यूएस बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च। तो यूएस का एक इंस्टीट्यूशन है, फिनलैंड का एक इंस्टीट्यूशन है, उनकी मदद से इस पर्टिकुलर पॉल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम को हमने एस्टैब्लिश किया है। ये जो सिस्टम है ये सारे के सारे वेदर मॉडल्स को एक साथ कंबाइन करके हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिस्टम ही अपने आप में एक वेदर मॉडल की तरह है। वेदर मॉडल मतलब यहाँ पे जो बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं उनसे डेटा लिया जाएगा, डेटा की स्टेबल बर्निंग कितनी हो रही है किस एरिया के अंदर, जो पॉल्यूशन कंपोनेंट्स होते हैं चाहे वो SO2 हो, NO2 हो, PM2.5 हो, PM10 हो, उन सब के भी सारी की सारी डिटेल्स लेकर यहाँ पे कंबाइन एक डेटा प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके साथ साथ और बाकी पॉल्यूटिंग एनवायरनमेंट्स में कैसे हैं, यहाँ पे एरोसोल की मात्रा कैसी है, मॉइस्चर कैसा चल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें कंबाइन करके सामने रखेगा हमारे पॉल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम। इसके साथ साथ ये जो पॉल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम है, आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको बताया जो स्टबल बर्निंग की मैपिंग है उसको भी इंक्लूड करने वाला है, क्योंकि दिल्ली के अंदर नवंबर दिसंबर के अंदर बन जाता है एक तरीके का गैस चैम्बर, और उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है स्टबल बर्निंग का, और वो जो वेदर वाली कंडीशन के साथ रिएक्ट करता है तो एक तरीके का गैस चैम्बर बना देता है, जिससे बहुत बड़ा हेल्थ इम्पैक्ट दिल्ली और एनवायरमेंट को देखने को मिलता है।
और यहाँ पे ग्रेडिट रिस्पांस एक्शन प्लान जो है, जो कि सीपीसीबी ने बोला था प्रिपेयर करने के लिए, सीपीसीबी के साथ प्रिपेयर किया है दिल्ली ने, उसको भी सबके सामने रखा, क्योंकि जो एयर क्वालिटी है वो भी पुअर की तरफ आ गई है इस पूरे हफ्ते, अगर हम लोग दिल्ली की एयर क्वालिटी देखें, क्योंकि स्टबल बर्निंग चालू हो गई है पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर। सरकार ने बहुत सारी यहाँ पर नीतियाँ लगाई थी, बहुत सारे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, बट फिर भी फार्मर्स ने स्टबल बर्निंग का ही सहारा लिया। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जो नई नई टेक्नोलॉजी थी, जैसे हैप्पी सीडर मशीन थी, वो इतनी ज़्यादा महंगी हैं और वो इतने ज़्यादा डिले टाइम लेती हैं और सबको मिल नहीं पाती सही समय पर, कि फार्मर सोच रहे हैं कि मशीन हमें मिल नहीं रही है और हमें नई क्रॉप लगानी है, तो उससे अच्छा तो ये है कि हम लोग स्टबल बर्निंग कर रहे हैं। फार्मर्स को अवेयर करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए जा रहे हैं, पर जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही रियल है, उसको भी यहाँ पर सरकार को समझना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार ने और भी बहुत सारे एडिशनल स्टेप उठाए हैं पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से एस्टर्न फेरीफेरल एक्सप्रेसवे खोला गया, इसके साथ साथ अभी जो वेस्टर्न फेरीफेरल एक्सप्रेसवे वो भी सामने आ जाएगा, तो जो ट्रैफिक है वो भी कम होगा। दिल्ली मेट्रो के अंदर 906 ट्रेन कोचेस को ऐड किया गया था, जिससे क्या होगा, जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेंगे, खुद के व्हीकल्स नहीं चलाएंगे, तो यहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा। इसके साथ साथ जो बदरपुर थर्मल पावर प्लांट था उसको भी शट डाउन कर दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहा था, इस वजह से उसको शट डाउन कर दिया गया था। तो ये बहुत सारे स्टेप थे जो सरकार ले रही है, सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हमारे सामने नया पॉल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम भी आ गया है, याद रखना पॉल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम बहुत सारी चीज़ों को मैप कर रहा है, उनमें से स्टबल बर्निंग एक है, वेदर कंडीशंस एक है, बाकी जो पॉल्यूशन वाले जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं SO2 NO2 एरोसोल्स, उन सबको भी इंक्लूड कर रहा है दिल्ली में एस्टैब्लिश हुआ नया पॉल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम। तो इसी के नीचे आपको न्यूज़ मिलती है, द पैड वुमेन ऑफ तेलंगाना ट्राइबल बेल्ट। तो तेलंगाना के अंदर अभी 4 फैक्ट्रीज हैं जो कि सैनिटरी नैपकिन्स को प्रोड्यूस करती हैं और वो फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करती हैं गर्ल स्टूडेंट्स को, जो कि ट्राइबल वेलफेयर हॉस्टल्स के अंदर हैं या आश्रम स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। यहाँ पे तेलंगाना के उस पर्टिकुलर ट्राइबल बेल्ट के अंदर 4 और फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जाएगा। याद रखना सैनिटरी नैपकिन्स को रिसेंटली GST काउंसिल ने टैक्स फ्री कर दिया था, 0% यहाँ पे टैक्स लगता है, GST लगता है सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर। इस आर्टिकल के अंदर आपको एक छोटी सी रिपोर्ट का भी जिक्र मिलता है, जो कि है 2018 की रिपोर्ट ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि कह रही है कि हमारे देश में 62% जो वेमेन हैं, 62% जो महिलाएं हैं, वो आज भी क्लोथ का इस्तेमाल करती हैं, कपड़े का इस्तेमाल करती हैं सैनिटरी पैड्स की बजाय, क्योंकि उन्हें सैनिटरी पैड्स नहीं मिल पाते। ओके, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के ऊपर भी रिस्क लेती हैं यहाँ पे क्लॉथ या ऐश का इस्तेमाल करके इंस्टेड ऑफ सैनिटरी पैड्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ, नेशन वाला पेज है। यहाँ आपको खबर मिलती है, IIT बॉम्बे टॉप्स इन QS रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस। तो जो QS है, एक थिंक टैंक है जो कि पूरी दुनिया के जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनकी भी रैंकिंग निकालता है, उसने पहली बार इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग को हम लोगों के सामने रखा है। इस रैंकिंग के अंदर टॉप पोजीशन हासिल करी है IIT बॉम्बे ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने। सेकेंड पोजीशन यहाँ पर आई है IISc बेंगलुरु की, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलुरु की। इसके साथ साथ टॉप 10 रैंकिंग में 7 IITs हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की यहाँ पे रैंक आई है नंबर 7 और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की यहाँ पे रैंक आई है नंबर 8। सबसे अच्छी बात इस रैंकिंग की ये रही कि हमारे देश में जो हम लोग रैंकिंग निकालते हैं NIRF के थ्रू, NIRF इज नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको हमारी HRD मिनिस्ट्री बनाती है, निकालती है, जो कि रैंक करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हमारे देश के अंदर। उसके अंदर भी रिसेंटली जो फर्स्ट पोजीशन है वो हासिल करी थी IISc बैंगलोर ने, और यहाँ पे QS वाली रैंकिंग ने उसने नंबर 2 वाली पोजीशन हासिल करी है। तो जो रैंकिंग है वो थोड़ी इधर उधर होती हुई नजर आई है, पर जो टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस हैं वो मैक्सिमम वही हैं जो कि NIRF की रैंकिंग के अंदर थे। ओके, तो इसी के साथ आपको खबर मिलती है, टॉयलिंग फॉर जनरेशंस बट नॉट फार्मर्स येट। तो कल था राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, 15th ऑफ अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय महिला किसान दिवस।
जहाँ पे हम लोग बताते हैं कि महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आगे आने वाले सालों में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ सके। और यहाँ पे 2017 के अंदर जो हमने राष्ट्रीय महिला किसान दिवस को जब सेलिब्रेट किया था, उस समय हम लोगों ने इस बात को रखा था कि आगे आने वाली जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे महिलाएं निभाने वाली हैं। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है जहाँ पे वीमेन फार्मर्स को, वीमेन रिसर्चर्स को, वीमेन साइंटिस्ट को, जो भी महिलाएं फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे इन्वाइट किया जाता है और उनके साथ बहुत सारी बातें की जाती हैं। यहाँ पे सम्मानित भी किया जाता है उन महिलाओं को जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। पर यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या महिलाओं को आज भी फार्मर्स समझा जाता है? यही सवाल आपसे ये आर्टिकल पूछ रहा है। टॉयलिंग फॉर जनरेशंस, जनरेशन से वो मेहनत करी जा रही हैं अपनी फील्ड के अंदर, बट उन्हें आज भी फार्मर नहीं समझा जाता। उनको वो बैंक में जाती हैं तो उन्हें लोन नहीं मिलता, क्योंकि आज भी जो ज़मीनें हैं वो उनके मेल काउंटर पार्ट्स के नाम पे हैं, पुरुषों के नाम पे हैं, तो यहाँ पे उन्हें कोई भी लोन नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के सामने है। तो उसके लिए सरकार आगे बहुत सारे स्टेप लेने वाली है, काम करने वाली है। साथ ही जो महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, खासकर एग्रीकल्चर वाली फील्ड के अंदर, उसका यहाँ पे रिलेशन हमारी फूड प्रोडक्शन के साथ भी देखा गया है। और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक नया एक्शन प्लान हम लोगों के सामने रखना चाहिए, जहाँ पे जो फीमेल फार्मर्स हैं उनको और ज़्यादा यहाँ पे एजुकेट किया जाए, उनको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, और उनको अगर कोई भी लोन चाहिए तो बैंक्स को भी बताया जाए कि उनको लोन दिया जाए और सही और आसान इंटरेस्ट रेट पर उन लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि महिलाएं हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और बाकी सारे फील्ड के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रही हैं, और उनको एम्पावर करना एज अ देश हम लोगों की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। न्यूज वाला पेज है, यहां पे आपको न्यूज मिलती है, इंडिया फ्रांस इन टॉक टू कंडक्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। तो इंडिया और फ्रांस आपस में मिलकर करने वाले हैं ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, जो कि अगले साल होगी। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का मतलब ये होता है हमारे यहाँ की तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और फ्रांस की काउंटर पार्ट आके एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। ये पहली बार ही नहीं हो रहा है कि हम लोग किसी कंट्री के साथ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर के अंदर हम लोगों ने रशिया के साथ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करी थी, जिसका नाम था इंद्र, और हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी एक्सरसाइज करने का वादा किया है। फ्रांस के साथ हम लोग बायलेटर एक्सरसाइजेस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग करते हैं शक्ति, जो कि हमारी आर्मी के बीच में होती है, वरुण, जो कि नेवी के बीच में होती है, और गरुड़, जो कि एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की जाती है। इंडिया और फ्रांस ने अभी रिसेंटली मार्च के अंदर एक लॉजिस्टिक पैक्ट भी साइन किया। इस लॉजिस्टिक पैक्ट के अंदर इंडिया को जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं फ्रांस के, उनका एसेस मिल गया, और रेसिप्रोकली फ्रांस को भी इंडिया के जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं उनका एसेस मिल गया। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें इंडियन ओशन रीजन के अंदर होने वाला है, क्योंकि फ्रांस के 3 इंपॉर्टेंट बेसिस इंडियन ओशन की रीजन के अंदर हैं। एक है यहाँ पे रियूनियन आइलैंड में, एक है यहाँ पे डिजिबोती में, और एक है अबू धाबी के अंदर। जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन के अंदर, उनको काउंटर करने के लिए इंडिया को इस तरीके के स्टेप और भी कड़े उठाने पड़ेंगे। अपनी जो पहुंच है इंडियन ओशन के अंदर वो और भी अच्छी तरीके से पहुंचानी पड़ेगी। देखो, ये उसी तरीके का एग्रीमेंट है जिस तरीके का एग्रीमेंट हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ किया, जिसको हम लोग लमाओ के नाम से जानते हैं। तो ये जो तीनों बेसिस हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेंच बेसिस हैं, यहाँ पे इंडियन नेवी और एयरफोर्स को असेस मिलेगा, तो उनकी जो रीचेबिलिटी है इंडियन ओशन के अंदर वो बढ़ जाएगी, जो सर्विलियंस कैपेबिलिटी है वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये आप इसे देख सकते हो कि चाइना को काउंटर करने के लिए हम लोग इतने सारे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक चीज डिस्कशन ली थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने जब कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ये बात कही कि आप लोग और आपके जितने भी साथी जजेस हैं वो वर्किंग डेज में छुट्टी ना लें, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद आरएम लोधा, जो कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उनकी एक स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ी थी, जहां पे उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को पहले सारी चीज़ें खुद में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, फिर बाद में उन्हें हाई कोर्ट को यहां पे सलाह देनी चाहिए। उन्होंने ये भी बोला था कि सबसे बड़ी चीज़ है कि चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हमारी जुडिशरी में, क्योंकि चीफ जस्टिस का जो टेन्योर होता है वो बहुत ही कम होता है, और नए चीफ जस्टिस आते हैं वो अपनी नई चीज़ सामने रखते हैं और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको इंप्लीमेंट करना भूल जाते हैं।
यहाँ पे उसी पर्टिकुलर चीज में हमें एक और बड़ा स्टेप देखने को मिला है। यहाँ पे जस्टिस एन वी रमन ने बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है। उनको यहाँ पे कॉमनवेल्थ मीटिंग का इनविटेशन मिला था पर उन्होंने उस इनविटेशन में जाने से मना कर दिया। उनका ये कहना है कि उस दिन हमारा वर्किंग डे है और वर्किंग डे में मैं छुट्टी नहीं ले सकता या और किसी इन्विटेशन या मीटिंग या ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। मैं आपको बता दूं, सीनियोरिटी बेसिस पे देखें तो हमारे जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हैं उनके बाद सीनियोरिटी बेसिस पे हैं जस्टिस एस ए बोबडे और उसके बाद आते हैं जस्टिस एन वी रमन। तो चीफ जस्टिस की भी ये लाइन में है तो इनका जो स्टेप है वो बाकी सारी हाई कोर्ट्स को भी इंस्पायर कर सकता है। ओके, तो जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो वर्किंग डेज हैं उसमें यहाँ पे छुट्टी नहीं लेने की कोशिश करेंगे जजेस, और जो ट्रेनिंग वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनको भी यहाँ पे हॉलीडे वाले जो दिन होते हैं उनमें करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के नीचे आपको न्यूज़ मिलती है, रीजनल लिंक्स आर की सेज चाइनीज एनवॉय। तो इंडिया और चाइना आपस में बातचीत कर रहे हैं कि एक नया कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हम लोग सामने रखेंगे जो कि पास करेगा थ्रू ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को उसी तर्ज पे बनाया जाएगा जिस तर्ज पे यहाँ पे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को बनाया गया, इंडिया ईरान अफगानिस्तान ट्रांसिट एंड ट्रेड एग्रीमेंट को साइन अप किया गया और चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान कोऑपरेशन को भी इसी पर्टिकुलर तर्ज पे बनाया गया और यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट इंडिया और चाइना साथ में साइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया और चाइना ने साथ में मिलकर सबसे पहली बार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया फॉर अफगानिस्तान डिप्लोमेट, तो जो अफगानिस्तान के जो राजदूत हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इंडिया और चाइना ने साथ में मिलकर। इसी के साथ आपको न्यूज़ मिलती है अहेड ऑफ क्लाइमेट टॉक इंडिया इन टच विद 40 कंट्रीज। तो UNFCCC की 2018 वाली मीटिंग होने वाली है काटोविस पोलैंड के अंदर। तो काटोविस एक सदर्न सिटी है पोलैंड की, वहाँ पे UNFCCC की 24th कॉप होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है जहाँ पे 200 कंट्री आके पार्टिसिपेट करेंगी, आपस में बातचीत करेंगी ग्लोबल वार्मिंग वाली कंडीशन को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोलैंड का एक बारी मैप देख लो। याद रखो पोलैंड की जो कैपिटल है वो काटोविस नहीं है, पोलैंड की कैपिटल है वार्सो। पोलैंड टच करती है यहाँ पे जर्मनी से, जेक रिपब्लिक से, स्लोवाकिया से, यूक्रेन से, बेलारूस से और रशियन फेडरेशन से। बाकी जो मैप डिटेल हैं वो आप देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे इंडिया और भी कंट्रीज से बातचीत कर रही है, डेवलपिंग देशों से बातचीत कर रही है, जैसे कुछ लाइक माइंडेड देश हैं जिसके अंदर इंडिया के साथ है चाइना, वेनेजुएला और ईरान। बेसिक देश हैं जहाँ पे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग अपना जो मत है वो सामने रखेंगे नई वाली होने वाली कॉप के अंदर जो अब होने वाली है। उसका नंबर है नंबर 24, तो ये होगी कॉप 24। इससे पहले जो इम्पोर्टेंट कॉप हुई थी वो थी कॉप 21 2015 में हुई थी, जहाँ की हुई थी पेरिस के अंदर, हम लोगों ने साइन किया था पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। ओके, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के ऊपर ही बातचीत की जाएगी इस कॉप 24 के अंदर। एक बहुत बड़ा सवाल डेवलपिंग देशों के सामने है कि जो $100 बिलियन एनुअली देने का जो वादा यहाँ पे किया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस से बैक ऑफ कर लिया था। देखते हैं जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या क्या बड़ी बड़ी डिटेल्स हम लोगों के सामने आती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 12 की तरफ, वर्ल्ड वाला पेज है। यहाँ पे आपको इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है उनसे रिलेट करते हुए एक न्यूज़ मिलती है, विक्रम सिंघे टू मीट मिस्टर मोदी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रम सिंघे, क्योंकि वो इंडिया की विजिट पर आने वाले हैं। यहाँ पे श्रीलंका इंडिया और चाइना के बीच में बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहा है और उसी दौरान यहाँ पे श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है श्री सेना वो विजिट करेंगे बीजिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पे श्रीलंका कर रहा है। साथ ही आपको याद दिला दूं कि इंडिया बहुत सारी चीज़ों को, फैसिलिटीज़ को ऑपरेट कर रहा है श्रीलंका के अंदर और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग मटाले एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, देखो मटाले जो एयरपोर्ट है वो हम्बनटोटा पोर्ट के बहुत ही नज़दीक है। हम्बनटोटा पोर्ट को यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है चाइना, तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोग मटाले एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ पालीली एयरपोर्ट जो कि जाफना के अंदर है उसे भी इंडिया ऑपरेट कर रहा है। एक त्रिंको में ऑयल
टैंक है उसे भी इंडिया ऑपरेट कर रहा है, कोलंबो पोर्ट है एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट है उसको भी इंडिया ऑपरेट कर रहा है जो कि केरावल्लापित्ती नाम की जगह पर लोकेटेड है। इसके साथ साथ इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली श्रीलंका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है जिस तरीके से चाइनीज इन्फ्लुएंस श्रीलंका के अंदर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ इंडिया और श्रीलंका ने अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम लोग जॉइंटली ऑपरेट करेंगे एक वर्ल्ड वॉर के समय का ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी जो कि स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजियस पोर्ट टाउन ट्रिंकोमुले के अंदर लोकेटेड है। इसके साथ साथ सेलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और लंका IOC PLC भी जॉइंटली डेवलप करेंगे नियर 85 टैंक इन दी अपर फार्म ऑफ दी फैसिलिटी। तो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है उनको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया की विजिट पे आने वाले हैं और ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को ऊपर और ज़्यादा इंडिया किस तरीके से काम कर सकता है उस समय पे बातचीत की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 13 की तरफ, बिजनेस वाला पेज है। यहाँ पे आपको खबर मिलती है डेटा दिक्कत 15 प्लेयर्स फेल टू कंप्लाई। तो RBI ने बोल दिया था कि आखिरी तारीख है 15 अक्टूबर, उससे पहले जितने भी पेमेंट वाले सिस्टम के अंदर प्लेयर्स हैं उनको डेटा लोकलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसे चालू करना था। पर यहाँ पे 78 में से 15 ऐसी एंटिटीज़ हैं जिन्होंने डेटा लोकलाइजेशन के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया है। इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे एंटिटीज़ हैं जैसे हैं अमेरिकन एक्सप्रेस, यहाँ पे वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, अमेजोन पे है। तो ये बड़ी बड़ी एंटिटीज़ ने अभी तक डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर कोई भी काम करना चालू नहीं किया है। अब यहाँ पे ये लोग मांग रहे हैं RBI से एक्सटेंशन कि हमें थोड़ा और समय का वक्त दो और हम लोग उसके बाद यहाँ पे डेटा लोकलाइजेशन के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे। देखो अगर ये लोग RBI की बातें नहीं मानते हैं तो RBI इनके ऊपर कुछ मॉनिटरी पेनल्टीज भी लगा सकता है, इनकी परमिशन भी कैंसिल कर सकता है। इसके साथ साथ जो लोग हैं जो सिटीजन्स हैं अगर उनका कोई जो डेटा होता है वो लीक हो जाता है तो वो लोग अपने डैमेज के लिए भी यहाँ पे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अब देखो RBI क्यों कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे डेटा लोकलाइजेशन हो, सबसे बड़ा मुद्दा है डेटा लीकेज का। जो हमारा डेटा है वो लीक हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे डेटा लोकलाइजेशन करने की बात की जा रही है। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि RBI ऐसा इसलिए कर रही है कि जो डेटा है उसका असेस RBI के लिए आसान हो, पर ये RBI बिल्कुल नहीं मान रही है। RBI का कहना है कि यहाँ पे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। मैं आपको बता दूं कि WhatsApp का एक इंटर बैंक मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है जो कि आने वाला था, वो भी इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से नहीं अभी तक आ पाया है। कि WhatsApp भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाए सबसे पहले डेटा लोकलाइजेशन, उसके बाद अपना एक इंटर बैंक मनी ट्रांसफ़र सिस्टम सामने रखा जाए। तो अप्रैल के अंदर बोला था RBI ने कि 6 महीने की हम आपको एक तारीख दे रहे हैं, 6 महीने के अंदर अंदर आप लोग डेटा लोकलाइजेशन कर लो, पर यहाँ पे 15 एंटिटीज़ ने नहीं किया है। डेटा लोकलाइजेशन से एक और चीज़ याद रखना कि अभी रिसेंटली ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल भी हम लोगों ने पढ़ा था जो कि रिकमेंड किया था श्री कृष्ण कमिटी ने, उनकी एक रिपोर्ट आई थी उसने यहाँ पे रिकमेंडेशन किया था, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसको आप लोग ऊपर आई का बटन दबाकर देख सकते हो। तो इसी के नीचे आपको खबर मिलती है क्रेडिटेक गेट्स NBFC लाइसेंस। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में हमें एक और नई कंपनी नज़र आ रही है जिसका नाम है क्रेडिटेक। तो क्रेडिटेक को यहाँ पे RBI ने लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया है। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी डिजिटल लेंडिंग बिजनेस में ऑपरेट करने वाली कंपनी या किसी ऐप बेस्ड फाइनेंसिंग में ऑपरेट करने वाली कंपनी को यहाँ पे NBFC का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। ये डायरेक्ट टू कस्टमर लोन्स की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, इसके साथ साथ ये और भी जितने भी क्रेडिट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी सर्विसेज यहाँ पे अपने अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने वाली है। तो नई कंपनी का नाम याद रखना, नाम है क्रेडिटेक, कहाँ की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 14 की तरफ, बिजनेस वाला पेज है। यहाँ पे आपको खबर मिलती है RBI टू बाय $120 बिलियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना या बेचना चालू कर दे, जो मनी सप्लाई है मार्केट में उसे बैलेंस करने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यहाँ पे एक चीज़ इमेजिन करो, मान लो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में महंगाई है, तो मतलब जो मनी सप्लाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा है। अब उसको बैलेंस करने के लिए RBI क्या करती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उन्हें बेच देती है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी तो यहाँ पे मनी सप्लाई है जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि RBI के पास पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसको बेच कर। इसी के ही उल्टा जब डिफ्लेशन होता है, मतलब मार्केट में जो मनी सप्लाई है, जो लिक्विडिटी है वो कम है, तो RBI लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेती है और मार्केट में पैसा दे देती है। सिंपल
ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आरबीआई खरीदने वाली है 120 बिलियन डॉलर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब आप सोचो कि 120 बिलियन डॉलर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई खरीद रही है। अब यहाँ पे अगर बेसिक थ्योरी पे जाएंगे तो मतलब मार्केट में डिफ्लेशन होगा, पर मार्केट में आज की डेट में तो इन्फ्लेशन हमें नजर आ रहा है। पर यहाँ पे आरबीआई जो पर्टिकुलर स्टेप कर रही है या डिफ्लेशन इन्फ्लेशन की वजह से नहीं, लिक्विडिटी को मैनेज करने की वजह से कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो मनी सप्लाई है उसको थोड़ा सा आरबीआई को मैनेज करना पड़ेगा। उसको ध्यान में रखते हुए जो ड्यूरेबिलिटी है लिक्विडिटी की, उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 120 बिलियन डॉलर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने वाली है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 18 की तरफ। लाइव वाला पेज है और पूरे न्यूज़पेपर का सबसे इंटरेस्टिंग पेज आज ये आया है। सबसे पहली खबर आई है क्लाइमेट चेंज ब्रूस ट्रबल फॉर बियर लवर्स। देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका इंपैक्ट लैंड के ऊपर होगा, एनवायरनमेंट के ऊपर होगा, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, ये सब तो हमें पता है, पर उसका इंपैक्ट हम लोगों की ईटिंग हैबिट्स के ऊपर भी होने वाला है। यहाँ पे बात की गई है यूरोपियन नेशंस की, तो यूरोप के अंदर बियर बहुत ज़्यादा चलती है, बियर का चलन बहुत ज़्यादा है और बियर की मैन्युफैक्चर होती है बार्ले की मदद से। बार्ले को हिंदी में हम लोग जौ के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखा जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से जौ की जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो कम होती हुई नज़र आ रही है। तो वहाँ पे जो बियर के रेट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं और लोग बियर से जो अपनी हैबिट है वो भी शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरीके से होता रहता है तो लोग बियर पीने की वजह जौ को खाना पसंद करेंगे, जौ के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें खाना पसंद करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज जो पूरी दुनिया में होता हुआ नज़र आएंगे, जो स्टेपल क्रॉप्स होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनकी यील्ड के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। ओके, इसी के नीचे आपको खबर मिलती है हॉकिंग्स फाइनल बुक ऑफर्स ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चन। तो स्टीफन हॉकिंग्स, महान साइंटिस्ट जिनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई थी मार्च के अंदर, 76 ईयर्स के थे वो जब उनकी डेथ हुई। यहाँ पे उस समय वो एक किताब लिख रहे थे, नाम था ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। ये किताब अधूरी रह गई थी, जिसके अंदर बात की गई है यहाँ पे भगवान से लेकर टाइम ट्रेवल तक, गॉड से लेकर टाइम ट्रेवल तक इस पर्टिकुलर किताब के अंदर बात की गई थी। इस किताब को उनके साथियों द्वारा पूरा कर लिया गया है और इस किताब के कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ डिस्कशन में लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ जिन्होंने बोला है कि पूरी की पूरी दुनिया को बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से नज़र आ रहा है। इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर जो खतरा है आगे आने वाले 100 साल में, वो कंप्यूटर्स की वजह से होगा, क्योंकि कंप्यूटर्स की जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस करने लगी है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर ही सबसे बड़ा खतरा ये हमें लोगों को नज़र आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि जिस तरीके से ह्यूमंस बाकी सारी चीज़ों को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में ह्यूमंस को अपनी ही स्पीसीज़ को जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर क्लाइमेट चेंज वाले एरा में जीना है, या फिर जो कंप्यूटर जिस तरीके से इंटेलिजेंस हो रहे हैं उनसे अगर हमें अपनी जो इंटेलिजेंस है वो आगे बढ़ानी है, अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करना है, अपने आप को डिजीज रेजिस्टेंस बनाना है, तो ह्यूमंस को खुद को ही जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको एक और न्यूज मिलती है, MIT plans to set up a college for artificial intelligence। तो जो Massachusetts Institute of Technology है वो एक पहला स्टेप उठा रहा है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग से कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इसी के नीचे आपको न्यूज मिलती है सेम सेक्स पेंगुइन कपल इनक्यूबेट एक्स। देखो जो LGBTQ कम्युनिटी होती है या हमें सेम सेक्स कपल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ ह्यूमन में ही मिलते हैं, वो हमें बाकी और जो एनिमल स्पीसीज होती हैं उनमें भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे बात की गई है एक पेंगुइन कपल की जो कि सेम सेक्स कपल है, दोनों मेल हैं, एक साथ रहते हैं, साथ ही दोनों को एक एग भी दिया गया और दोनों ने उस एग को अडॉप्ट भी कर लिया और अच्छे से देखभाल भी उस एग की कर रहे हैं। तो बस आज के न्यूज़पेपर में इतनी ही खबरें थी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। तो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना, लाइक का बटन दबा देना, कोई भी मन में कमेंट डाउट या क्वेरी हो फेसबुक पे जाकर, टेलीग्राम पे जाकर या इंस्टाग्राम पे जाकर भी मुझे बता सकते हो, या और भी कोई आपके मन में डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हो। साथ ही आपको याद दिला दूं जो कॉन्टेस्ट है, जो गिव अवे वाला कॉन्टेस्ट है वो अभी भी लाइव है। अगर आप लोगों ने अभी भी मेरे फ्री बुक गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आप में से कोई भी 10 लोग फ्री बुक्स जीत सकते हो। ओके, तो आज के न्यूज़पेपर को ये एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड।